न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा नगर निगम के महापौर चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अजय मिश्रा बाबा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गुरुवार को शहर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा रैली निकाली गई। रैली शहर के शिल्पी प्लाजा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां अजय मिश्रा ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान पूर्व विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पूर्व कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रह चुके हैं। मुजीब खान, शहर जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, राजेंद्र शर्मा मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, पूर्व शहर अध्यक्ष शहीद अहमद के साथ भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पर्चा दाखिल करने के बाद अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। महापौर के चुनाव में सभी पूर्व प्रत्याशी एकजुट हैं और चुनाव जीतने की आशा व्यक्त की। आइए सुनते हैं कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा ने क्या दावा किया है। कोई भी कार्य नगर में अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये अधूरा विकास का शहर है। यहाँ पूर्ण विकास कोई चीज नहीं है। यहाँ पर भेड़ चाल का कार्य किया गया है। पूरा विकसित शहर जो स्टील डेवलपमेंट कहलाता है, एक सुंदर सुव्यवस्थित चलने लायक शहर, वो शहर बना कर देंगे हम लोग। है भाजपा वाले करा, बीजेपी सत्ता में है, किस रणनीति के तहत उनको भय है। भय है कि कांग्रेस एक है तो उनको लगता है कि कांग्रेस टूटे। हमारी विद्यावती पटेल जी, बबीता साकेत जी, ये सारे लोगों ने मिलकर ये कार्यकर्ता को टिकट दिलवाया है। पूरी पार्टी, मंडलम सेक्टर, पोलिंग बूथ, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, हमारे पार्षद साथी, सब लोग मिलकर हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये आपको आश्वस्त करते हैं कि इस बार हमारा मेयर भी जीतेगा और हमारे 45 वार्ड के पार्षद भी भारी बहुमत से जीतेंगे।